हेलो ब्लॉसम्स, आज हम बनाने वाले हैं कस्टमाइज गिफ्ट, एक ऐसा गिफ्ट जो आप खुद भी बना सकते हो। तो सबसे पहले मैंने उठा ली अपनी जादुई पेंसिल, रेडी कर लिया अपना स्केच। अब मैंने लिया है ये सॉफ्ट थर्माकोल और साथ ही ली है ये बोर्ड पिन, आप चाहे तो सेफ्टी पिन भी यूज कर सकते हो। अब थर्माकोल के ऊपर अपने बनाए हुए स्केच को मैंने रख दिया और स्केच की आउटलाइन पे इस तरीके से होल करने स्टार्ट कर दिए हैं। होल्स के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए ताकि शीट फट ना जाए, और होल्स इतने बड़े भी नहीं बनाने हैं कि आपका आर्ट वर्क खराब हो जाए। मैंने यहाँ पे ये कपल पिक ली है, आप चाहे तो कोई भी पिक यूज कर सकते हो, जैसे कि ग्रुप फोटो या सिंगल फोटो, डिपेंडिंग ऑन कि आप गिफ्ट किसके लिए और किस ओकेजन पे बना रहे हो। ली है ये ब्लैक क्राफ्टिंग थ्रेड, आप चाहे तो एम्ब्रॉयडरी थ्रेड भी यूज कर सकते हो, और ये सबसे मुश्किल काम सुई में धागा डालने का। Wow! थ्रेड डालने के बाद हम जल्दी से शीट पे एम्ब्रॉयडरी करना शुरू करेंगे। पहले थ्रेड को फ्रंट साइड में डालना है और फिर उसको बैक होल से बाहर निकालना है। बस यही प्रोसेस रिपीट करते जाना है। आई थिंक इसको बोलते हैं व्हील स्टिचिंग। अगर आपको कोई और पैटर्न, कोई डिजाइन पता है तो आप वो भी बना सकते हो, आपको मेरा पैटर्न बनाना जरूरी नहीं है। और एक बार आपको पैटर्न समझ आ गया तो उसके बाद आप बहुत ही फास्ट फास्ट इस काम को कंप्लीट कर सकते हो। मैंने पूरी स्केच की सिर्फ एक ही थ्रेड से आउटलाइनिंग की है। अगर आपके पास और भी कलर्ड थ्रेड्स हैं या फिर एम्ब्रॉयडरी थ्रेड है तो आप उनको भी यूज कर सकते हो, लाइक फेस के लिए अलग, हेयर्स के लिए अलग और कपड़ों के लिए अलग कलर। एंड दिस इज द इजीएस्ट कस्टमाइज गिफ्ट जो आप खुद बिना किसी की मदद के बना सकते हो। ऐसा गिफ्ट आप अपने पेरेंट्स के लिए, ब्रदर सिस्टर्स के लिए, अपने रिलेटिव्स में किसी को गिफ्ट करने के लिए, या फिर अपने पार्टनर को, अपने फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, किसी को भी गिफ्ट करने के लिए बना सकते हो। एंड दिस इज द बेस्ट गिफ्ट फॉर एनी ओकेजन। और देखो, आप लोगों के साथ बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कब हमारा कस्टमाइज गिफ्ट भी रेडी हो गया। पिक्चर तो रेडी हो गई बट बैकग्राउंड अभी भी मुझे थोड़ा खाली लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे भी कुछ कलाकारी की जाए। और अब फिर से वही पंगा सुई में धागा डालने का, और इस बारी तो ऐसा लगता है धागा डलेगा नहीं और मेरी आंखें जरूर बाहर आ जाएंगी, क्योंकि सुई धागा और मेरा तो 36 का आंकड़ा है। अब तो यार ये थ्रेड सच में नहीं डल रहा। Two hours later. बहुत ही मुश्किल से सुई में धागा डल चुका है, और अब मैंने जो लिखा है मैं उस पे भी थ्रेड से ही आउटलाइन कर रही हूँ। मैंने बहुत ही सिंपल सा डिजाइन बनाया है और एक सिंपल सा कोट लिखा है, बाकी आपको जैसा पसंद हो आप अपनी तरफ से कस्टमाइज कर सकते हो। जो मैंने एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न पहले फॉलो किया था मैं वही दोबारा से सेम फॉलो कर रही हूँ। ये थ्रेड कार्ड बनाने के बाद मैं शायद बहुत दिनों तक ना सुई और धागे को देखना भी पसंद नहीं करूंगी, क्योंकि यार मेरे से सुई में धागा ही नहीं डलता जल्दी जल्दी। और हमारा थ्रेड कार्ड बनके पूरा पूरा रेडी हो चुका है। आप देख लो यार ये कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये मैंने खुद बनाया अपने हाथों से, वो भी इतनी मेहनत से। सिंपल बनाया है बट आप लोगों के लिए एक आइडिया दिया है कि आप इस तरीके से भी कस्टमाइज गिफ्ट खुद बना सकते हो बिना किसी की मदद के। आपको आज का आइडिया कैसा लगा मेरे को कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। And please, 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 yaar, don't forget to like, subscribe and share.